हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चाची की अलबेली रसोई। आज की हमारी रेसिपी है वेजिटेबल लज़ानिया। हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं पोटैटोज, अनियंस, कैप्सिकम रेड, ग्रीन एंड येल्लो, कैरेट्स, बीन्स, पनीर, चीज़, मोज़रेला चीज़, स्पाइसेस, सेज़वान चटनी, केचप एंड वाइट सॉस। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे लज़ानिया के लिए शीट्स। यहाँ पे मैंने कच्चे आलू लिए हैं और उसको ग्रेट कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और मैदा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जनरली लोग जो है मैदे की शीट्स बनाते हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है, इसलिए मैं पोटैटो की शीट्स बना रही हूँ। अब एक पैन लेंगे, उसको हीट करेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। अब हम अपना बैटर डालेंगे और इसको चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये शीट हमें ना बहुत ज्यादा मोटी बनानी है, ना बहुत ज्यादा पतली बनानी है। आप जिस पैन में लज़ानिया बनाएंगे उसी पैन के शेप का आप शीट बनाइएगा। अब इसको ढक लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे चारों तरफ। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से हम इसको इसी तरह से सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने तीन शीट्स बनाई हैं। आगे आप देखेंगे कि मैंने कितनी लेयर्स डाली है। आपको जितनी लेयर्स डालनी है उसके हिसाब से आप शीट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी सारी शीट्स बना लेंगे। आइए अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, अनियंस, कैरेट और बीन्स। यहाँ पे मैंने इन सबको एकदम छोटा छोटा चॉप्ड कर लिया है। अब एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑरेगानो। चिली फ्लेक्स, और इन सबको अच्छे से ऑयल में मिक्स करके पकाएंगे। इससे जो है वेजिटेबल का फ्लेवर्स जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम वेजिटेबल सॉटे करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे अनियन, और इसको लाइट ब्राउन होने तक हम सॉटे करेंगे। ये भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। ये देखिए, हमारे अनियंस लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बीन्स।
और गाजर। शिमला मिर्च हम अभी नहीं डालेंगे, पहले हम बीन्स और गाजर को थोड़ा पका लेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट तक इसको हमें पकाना है, उसके बाद अब हम डालेंगे शिमला मिर्च। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पनीर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ मैं थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि मैंने शीट में भी डाला है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम यहाँ डालेंगे ब्लैक पेपर। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ हमने मीडियम टू लो ही रखी है। अब हम इसको एक से दो मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारी सब्जियां जो हैं वो थोड़ा ड्राई हो जाए। अब मैं डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और इन सबको अच्छे से मिक्स करके अपनी वेजिटेबल्स को थोड़ा सा ड्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और इसको लगातार चलाते रहना है, ताकि हमारे वेजिटेबल्स जो हैं वो नीचे पैन में लगे नहीं। और इस तरीके से ये ड्राई भी जल्दी हो जाएंगे। ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स कितने अच्छे हो गए, बनके तैयार हो गए। यहाँ पे मैंने सॉसेज में व्हाइट सॉस लिया है, ये मैंने पहले शेयर की है, इसकी लिंक ऊपर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ और सॉस, इस सेज़वान सॉस है, इसमें मैंने थोड़ा सा केचप भी डाला है। यहाँ पे मैं पैन में बनाऊंगी, मैं अवन में नहीं बनाऊंगी। तो आइए अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें रेड सॉस लगाएंगे और इसको चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब जो हमने शीट्स बनाई थी, आइए अब हम वो शीट रखेंगे। इसके ऊपर फिर से हम रेड सॉस लगाएंगे। और चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। अब हम लगाएंगे व्हाइट सॉस। ये व्हाइट सॉस की रेसिपी आपको मेरे पहले की रेसिपी में मिल जाएगा,
इसकी लिंक ऊपर शेयर की हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इसको भी हम चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम वेजिटेबल्स डालेंगे। अब हम चीज रखेंगे चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करके। यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज और मोज़रेला चीज दोनों यूज किया है। अब हम अपनी दूसरी शीट रखेंगे और हल्के हाथों से उसको प्रेस कर देंगे। अब सेम प्रोसीजर से इसको रेडी करेंगे। ये मैंने लार्ज शीट रखी है, आप चाहें तो इसके ऊपर एक और भी रख सकते हैं। अब हम व्हाइट सॉस इस पे डाल देंगे। और चीज और एंड में हम डालेंगे मोज़रेला चीज, ऊपर से ग्रेट कर देंगे चारों तरफ स्प्रेड करके। अब हम गैस ऑन करेंगे और फ्लेम एकदम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसको हम ढककर 15 मिनट तक पकाएंगे। ये याद रखिएगा, फ्लेम एकदम लो रखनी है हमें। ये देखिए हमारा लज़ानिया बनकर तैयार हो चुका है, जो कि हमने पैन में बनाया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा लज़ानिया एकदम स्क्वायर लेयर्स में आया है। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर